एंगल ले कलर आ जी एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील और उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। बिजनौर की कोर्ट ने मुनीर अहमद को 10 साल की सजा और 1,00,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि इसी मामले में उसके साथी रेहान को 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार विवादित प्रॉपर्टी के चलते मुनीर ने तंजील अहमद की हत्या की थी। मुनीर ने तंजील अहमद को प्रॉपर्टी से हटाने के लिए 2016 में उनका खात्मा करने की ठान ली थी और गांव के ही अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर मुनीर ने एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील की हत्या की थी। 2016 में तंजील और उनकी वाइफ की जो एनआईए के डिप्टी इंस्पेक्टर उनकी हत्या हो गई थी, उसमें ये मुनीर नेम्ड थे और 2016 से ये जेल में है। मुनीर पर 36 केसेस थे, अब 35 केस रह गए हैं। इसमें 10 साल की सजा 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा। कौन सी कोर्ट ने सुनाया सर? कोर्ट नंबर 5, डॉक्टर विजय कुमार तारियान, ईडी। मुनीर अहमद जिले के सहजपुर का टॉप हिस्ट्री शीटर है और उसने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। वहीं कोर्ट के फैसले का एसपी धर्मवीर सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। 2 अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी, उसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सजा 1,00,000 रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। मुनीर प्रदेश स्तर का आपराधिक माफिया घोषित था, उसकी जेल भी बदल दी गई थी। इस समय वह सोनभद्र के कारागार में है। आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिससे आम लोगों में एक सकारात्मक एवं अपराधी जगत में एक खौफ का माहौल पैदा हुआ है। एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की हत्या का आरोपित मुनीर और उसके 4 साथियों पर गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को गैंगस्टर कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाना था, उसको लेकर जजी परिसर को छावनी में तब्दील किया गया। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फराजना की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर सहजपुर लौट रहे थे। जांच एजेंसी एनआईए ने इस हत्या को पूर्व नियोजित करार दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।